सम्मानीय साथियों और प्रिय स्टूडेंट्स, मैं राकेश मिश्रा 10th क्लास की परीक्षा के केमिस्ट्री का पेपर जो 9 जून को है उसकी तैयारी के लिए समर्पित हूँ। और उसी तैयारी का सेकंड पार्ट, एक पार्ट आप देख चुके हैं परीक्षा विशेषांक, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर 1-5, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6, 7, 8, 9, मतलब कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बड़े ही ध्यान से, बड़ी बारीकी से, सजगता से, सतर्कता से इस वीडियो को देखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विशेषांक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यदि आपका नामकरण, यदि आपको प्रेरणिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, अनुनाद, अतिसंयुग्मन, कार्बोकैटायन, ये चीजें नहीं आती तो 11वीं क्लास के प्लेलिस्ट में भी वीडियो डले हुए हैं, उनमें जाके आप एक एक करके उनका आधा आधा पार्ट देख लें, 20% भी आप उसका देख लेंगे तो बहुत अच्छा समय आएगा, ऑर्गेनिक की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इसमें हम आपको लिए चलते हैं यूनिट 10 के अंदर क्या है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीज, ये हमारा चैप्टर का नाम है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीज, देखो एक बात बताएं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कोई एक वीडियो में तो हो नहीं सकती, लेकिन पकड़ आ जाती है। आईएमपी क्वेश्चन यहां पर करा रहे हैं हम आपको, क्या क्या तैयार करेंगे इसमें हेलो एल्केन्स में। तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, क्लोरोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमीथेन, या इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, सबसे पहला और ये समझ सकते हैं सबसे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अवश्य आता है क्लोरोफॉर्म निर्माण की विधि और इसके गुण, क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं हम आपको समझाते हैं। विरंजक चूर्ण लेना है, जल लेना है, एथिल अल्कोहल या एसीटोन, क्या क्या चाहिए, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, COCl2, वाटर चाहिए H2, और एथेनॉल या एथिल अल्कोहल CH3CH2OH। तो चार पदों में एसीटोन भी ले सकते हैं एथिल अल्कोहल के प्लेस पर तो भी क्लोरोफॉर्म बनेगा, और चार पदों में क्लोरोफॉर्म निर्माण की विधि भी हमारे लिंक के अंदर है, प्लेलिस्ट के अंदर हेलो एल्केन का जो हमारा प्लेलिस्ट है। तो क्लोरोफॉर्म तैयार कर लें आप सबसे पहले, तो उसके बाद क्लोरोफॉर्म कैसे और यौगिक कैसे बनाएंगे, जैसे कम से कम 5 यौगिक बिल्कुल PIP है। क्लोरोफॉर्म को जब खुला रखते हैं वायु में, देखिए सॉरी, ये क्लोरोफॉर्म है, इसको हम वायु में खुला रखते हैं। प्रयोगशाला में यदि इसकी बॉटल खुली रह जाती है या कम भरते हैं तो सनलाइट आएगी और ये क्या है, ये वायु है, तो हमारी क्लोरोफॉर्म जो है एक गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये गैस कौन सी गैस है, ये है फॉस्जीन। कौन सी गैस है, फॉस्जीन, या इसी को कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, फॉस्फिनल अगर PH3 जो पी ब्लॉक के अंदर बता चुके, ये फॉस्जीन है। ये जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस है, क्लोरोफॉर्म पॉइजनस हो जाती है। तो वायु की क्रिया से हम क्या बनाते हैं, वायु की क्रिया से हम बनाते हैं आपको फॉस्जीन गैस, पहला आईएमपी क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म से यदि अपन सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करा दें, ये हमारा सांद्र नाइट्रिक अम्ल है HNO3, इसको इकट्ठा लिख सकते हैं आप HNO3 ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा देखिए क्लोरोपिक्रिन। नाइट्रिक अम्ल से क्या बनता है, क्लोरोपिक्रिन, इसका उपयोग टीयर गैस में होता है, आंसू गैस में होता है, तो इसको अपन तैयार कर सकते हैं। ऐसे अन्य क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से क्रिया करते हैं तो बनता है क्लोरीटोन, एसीटोन में भी टोन लगा है, एक ट्रिक है, एक टिप्स है, एसीटोन क्लोरीटोन, इससे रहेगा आपको याद रहेगा, क्लोरीटोन एसीटोन की क्रिया से क्लोरीटोन बनता है जो कि निद्राकारी दवाई है, नींद की गोली में उसका उपयोग होता है। क्लोरोफॉर्म के बाद हम आगे चलते हैं, तो क्लोरोफॉर्म के और जैसे राइमेटी में अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म को
प्राथमिक एमीन के साथ कार्बल एमीन अभिक्रिया पहले बात कर ले रहे, क्लोरोफॉर्म को जो है प्राथमिक एमीन एल्कोहल लिगेज के साथ गर्म करते हैं तो आरएनसी बनता है जिसे हम कार्बल एमीन या एल्किल आइसोसाइनाइड कहते हैं और इस क्रिया को कार्बल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तैयार कर राइबोटीमेन अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म के गुण है। राइबोटीमेन में क्या होता है, राइबोटीमेन में हम आपको बता दें कि राइबोटीमेन के अंतर्गत फिनॉल क्लोरोफॉर्म एल्कोहल लिक्विड इतनी चीजें लेते हैं और इसकी क्रिया से फाइनली क्या बनता है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड भी कहते हैं। तो ये क्लोरोफॉर्म में पांच इसके मुख्य गुण हो गए। आयोडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसमें हम अगला क्वेश्चन देखें तो आयोडोफॉर्म ये देखिए CHI3, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ट्राई आयोडो मीथेन, ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ट्राई आयोडो मीथेन, इसका निर्माण करना है। इसको हम जो गर्म करते हैं ना तो रेतुष्मक लेते, इसका एक चित्र है और यहां पे गर्म करने में आपको जलुष्मक लेना है। आयोडोफॉर्म आयोडेक्स से संबंधित है, आयोडेक्स में भी रहती है, दर्द निवारक है। तो इसको बनाने की विधि है आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, उसको तैयार कर लीजिए। इस पार्ट में हम और आगे चलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जो आप इस एग्जाम में जरूर आ सकती है। SN1SN2 क्या है इसका नाम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दोनों, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, द्वि आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपको लिंक में देंगे, SN1SN2 में प्रिपरेशन कैसे करना। चलिए हम SN1 की जानकारी आपको दे रहे हैं, होता क्या है आप खुद इसको बड़े नजर से देखेंगे। देखो ये देखिए, ये हमारा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है और इस पर करा रहे हम एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी क्रिया कराएगी तो होगा क्या, देखो ये इसका के इसका Cl, या तो हम ऐसा कह सकते हैं OH ने हटा दिया किसको, Cl को। OH क्या है, नाभिक स्नेही, तो इस क्रिया को कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। यहां समझ लें, यहां क्या लग जाएगा OH लग जाएगा और क्या निकल जाएगा KCl, क्या बन गया तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। लेकिन ये केवल रिएक्शन है, अभी इसकी होती है मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म हम समझा रहे हैं यहां, लिख के नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे वीडियो के अंदर जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर लिखा लिखा मिल जाएगा सिस्टमेटिक। तो यहां पर दो पद है इसके, पहले पद में CCl बंध टूटता है अर्थात कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का विस्मांस विदलन होता है, एक पर धन एक पर ऋण, क्लोरीन पर ऋण और धनायन बन जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है। पहले पद में पहला पद तेज गति से होता है, धीमी गति से होता है और दूसरा पद तेज गति से होता है। इसमें कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन तृतीयक उस पर आक्रमण करेगा कौन, OH नाभिक स्नेही बनके, नाभिक स्नेही पे, नाभिक पे धन आवेश होता है स्टूडेंट्स और नाभिक स्नेही पर ऋण आवेश, तो OH अटैक करेगा और अटैक करके OH ये जुड़ गया है तो एल्कोहल। दूसरा पद तेज गति से होता है, पहला पद धीमी गति से होता है, जो पद धीमी गति से होता है उसको दर निर्धारक पद कहते हैं। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि जो दर निर्धारक पद है उसमें एक अणु भाग लेता है, इसलिए इसका नाम एक आणविक बन की घात लगी है, ये बलगति की चीज, केमिकल काइनेटिक्स की बात हो रही आ गई इसमें ऑर्गेनिक के अंदर। देखो केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है कि इसमें सभी का ज्ञान जरूरी और बेसिक ज्ञान तो बहुत अनिवार्य है, इसको तो आप देखिए, इसलिए हमें प्लेलिस्ट के अंदर तो आपको जाना पड़ेगा कुछ चीजें देखने के लिए। SN2 क्या होता है, SN2 आपको हम समझा रहे हैं ये है प्राथमिक एल्किल हैलाइड और यहां पर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर वही चीज होगी, OH अटैक करेगा या तो हम ऐसा कह दें या हम ऐसा कह दें KCl निकल गया, तो यहां पे बनेगा मेथिल एल्कोहल, ये बन गया, देखिए ये बन गया मेथिल एल्कोहल।
मैथिल अल्कोहल बना और मैथिल अल्कोहल किससे बना? मैथिल क्लोराइड से। यहां पर इसको हम कहेंगे SN2। क्यों कहेंगे? इसकी जब आप क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे, वीडियो के अंदर जाएंगे, तो उसमें क्या पाया जाएगा? OH ने अटैक किया, यहां से अटैक होता है इसका पिछले सिरे से। अटैक के बाद बनती है संक्रमण अवस्था, जिसमें आंशिक बॉन्ड होते हैं और जो है हमारा OH जुड़ रहा होता है और Cl2 ड्रा होता है। संक्रमण अवस्था तेज गति से उत्पाद में बदल जाती है। एक बड़े डिफरेंस भी इसमें है, SN2 एक पद में होता है और SN1 दो पदों में होते हैं। टू क्यों? स्लो स्टेप में दो अणु भाग ले रहे, इसलिए वाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ऐसा है इसका। तो SN2 है और ये SN1 है, और इन फर्क की वजह से इसमें रेशमीकरण होता है पहले वाले में, इसमें प्रतिलोमन होता है। रेशमीकरण की बात करते हैं, प्रकाश समावयवता से संबंधित चीज, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसका वीडियो हमारे प्ले लिस्ट के अंदर है, तो आपको चैनल पे आइए आप, बहुत स्वागत है वहां पे। तो प्रत्येक चीज को आप वहां छोटी छोटी चीज को देख सकते हैं। अभी परीक्षा का समय है तो SN1 तैयार कर ले आप। नाम वाली क्रियाएं 10 चैप्टर में, बुड्ज अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, बुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, ओलमान रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, इस प्रकार की मोस्ट आई रिएक्शन है, इनको प्रक्रिया कर लें। एक और, क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड से कम क्रियाशील क्यों है? क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड से कम क्रियाशील, इसके तीन कारण होते हैं, उसको भी स्मार्ट के अंदर शामिल कर लीजिए, तो आप बहुत तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छे से आपके नंबर। दो चीजें और इसमें देखना है आपको, BHC और DDT, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। जब बेंजीन पर क्लोरीन के 3 मोल की क्रिया सनलाइट में की जाती है तो C6H6Cl6 बनता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बोलते हैं। यहां पे देखिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, ये क्या होता है? DDT एक इंसेक्टिसाइड कीटनाशक है। बनता कैसे है? बहुत ही महत्वपूर्ण। DDT बनाने का जो पारदर्शक तरीका है वो यहां पे हम आपको लिए चलते हैं, क्योंकि हमें इसको बनाने में बहुत ही इंटरेस्ट है। क्लोरल, एक मॉलिक्यूल है क्लोरल, इसको ले रहे हैं। ये देखिए CCl3CH, ये हमारा क्लोरल है। इस पर कराएंगे हम क्लोरोबेंजीन के 2 मोल की क्रिया, ये देखिए वाटर निकला, वाटर निकालने कौन आएगा? सांद्र H2SO4 आ गया भैया, हम लोगों के राजा आ गए, राजा महाराजा आ गए, तो इनका स्वागत करेंगे अपन। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, महाराज का स्वागत होना चाहिए फूल वालाओं से। देखो यहां पे क्या बचा हुआ है, ये O निकला और यहां से 2 चीजें जुड़ गई, ये दोनों रिंग यहां से जुड़ दीजिए, यहां से जुड़ दीजिए, समझ में आ रहा है? यहां पे हम रिंग जोड़ दे रहे, यहां पे भी हमने रिंग जोड़ दिया है, यहां क्या लगा है? Cl, यहां पे Cl लगा हुआ है। तो ये बन गया आपका DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। इसका UPSC नाम है, तो ये DDT की फुल तैयारी कीटनाशक, BSC DDT के बाद इसके अलावा इसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम चलते हैं चैप्टर नंबर 12 पर, एल्कोहल फिनॉल और ईथर, इसमें क्या क्या तैयार करना है आपको। एल्कोहल में सबसे पहले आप जाएंगे विक्टर मेयर परीक्षण। 3 प्रकार के एल्कोहल होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, द्वितीयक या सेकेंडरी एल्कोहल, और तृतीय क्या? टर्सरी एल्कोहल। विक्टर मेयर परीक्षण करते क्या है इसमें, बहुत ही पुराना, 6-7 महीने पहले बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो डला है। लाइट वगैरह की पहले प्रॉब्लम रहती थी वीडियो के अंदर साउंड की, लेकिन अब हम सॉल्व कर चुके हैं, तो उसमें उसको आप निग्लिजिबल कर दीजिए, ना देखें आप, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत है। विक्टर मेयर टेस्ट में 4 रिएजेंट मिलाते हैं और ये पता करते हैं कि दिया गया एल्कोहल प्राथमिक है, द्वितीयक है अथवा तृतीयक है। पहले HI, AgNO2, HNO2 और NaOH मिलाते मिलाते लाल रंग आ गया प्राइमरी एल्कोहल, नीला रंग आ गया द्वितीयक एल्कोहल, कोई कलर नहीं आया तृतीयक एल्कोहल। ये क्या लिख दिया हमने, बायो पढ़ा रहे? नहीं, रेड ब्लू कलरलेस, 3 कलर होते हैं, प्राथमिक रेड, नीला, लाल, नीला और कलरलेस। विक्टर मेयर के बाद आप आएंगे तो लुकास परीक्षण,
प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को पहचानने का लुकास परीक्षण तैयार कर ले, जिसमें निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इस पाठ के अंदर एल्कोहल का निर्जलीकरण जरूर तैयार कर ले, उसकी क्रियाविधि, एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि अवश्य तैयार कर ले, उससे ही आपको फायदा पूरा पूरा मिलने वाला है। उसमें भी एक लेयर आती है। हम चलते हैं, एल्कोहल उदासीन है मगर फिनोल अम्लीय, फिर उसका कारण रेजोनेंस है। रेजोनेंस कैसा? अनुनाद होता है फिनोल में, मतलब फिनोक्साइड आयन में, इसलिए वो फिनोल फिनोक्साइड आयन में बदल के और एच आयन दे देता है, स्थाई हो जाता है। जबकि एल्कोहल दे तो देता है मगर वापस ले लेता है, इसलिए एल्कोहल उदासीन होता है और फिनोल अम्लीय होता है। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं शॉर्ट में, डिटेल में वहीं जाना पड़ेगा आपको, लेकिन शॉर्ट में यहां पे हम आपको समझा दे रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा फिनोक्साइड आयन बन गया ये, और ये एल्कोक्साइड आयन, ये एल्कोक्साइड आयस्था ये दो दिशाओं में तीर चल रहा, पहले एच दिया ले लिया, दिया नहीं लिया, और जहां एच, जिस विलयन में एच मुक्त अवस्था में पाया जाता है वो अम्लीय होता है। ईथर की सतत ईथरी गण विधि तैयार कर लें, ईथर से पांच यौगिक बनाते हैं, उसकी प्रिपरेशन आप कर ले इसके अंदर तो बहुत तैयारी इसकी हो जाएगी। अच्छा, और सीरा से एल्कोहल निर्माण की विधि भी कर सकते हैं तैयार, वो भी उसकी आउटलाइन देख लें आप। तो यहां पर करीब विक्टरमेयर टेस्ट, लुकास टेस्ट, एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि, एल्कोहल उदासीन है, फिनोल अम्लीय क्यों है, ठीक है, परिवर्तन मैथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल से मैथिल एल्कोहल, इसके परिवर्तन की तैयारी आप कर लें, इसकी प्रिपरेशन जरूरी है IMP क्वेश्चन। फिर चलते हैं हम, हमारा अगला चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन, बड़ा चैप्टर है, चार नंबर का है, चार त्रिवार नंबर की। इसमें क्या तैयार, इसमें है पोटेंजर नेम रिएक्शन। सबसे पहले प्रयोगशाला विधि, नाम रिएक्शन कौन कौन सी करना है, रोजेनमुंड अभिक्रिया कैसे तैयार करते हैं, रोजेनमुंड में अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाते हैं, पैलेडियम बेरियम सल्फेट जाइलीन मिलायक रहता है, पैलेडियम उत्प्रेरक बेरियम सल्फेट विष एल्डिहाइड बन गया। उसके बाद हम जानते हैं इसमें एल्डोल संघनन, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के दोनों एल्डोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्डोल कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बेंजोइन संघनन, बेंजल्डिहाइड के दोनों बेंजोइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एरोमेटिक ईथेन बेंजोइन कहते हैं। कम समय में ज्यादा चीज तैयार, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, दोनों वीडियो को लगातार देखिए एक के बाद एक, बहुत तैयारी है आपकी गारंटी से। तो यहां पे नेम रिएक्शन और चलते हैं, अब आपको अपचयन करना है, पुलकेसन अपचयन, कार्बोनिल यौगिक एल्केन में बदलते हैं, ठीक है। बुल्फ किस्नर के पहले क्लीमेंसन अपचयन, एक पद में होता है, बुल्फ किस्नर दो पदों में होता है, दोनों की क्रिया कर एक जैसे होते हैं, उसमें हाइड्रोजन और QH लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेम रिएक्शन की बात करें तो बेंजोइन संघनन का एल्डोल संघनन हो गया, उसके बाद स्टीफेन अभिक्रिया तैयार कर ले, इसमें साइनाइड से एल्डिहाइड बना स्टीफेन अभिक्रिया के अंदर, ठीक है। नेम रिएक्शन 10 नेम रिएक्शन 20 मिनट में तैयार करने की प्रोसेस भी डली है हमारी वीडियो, उसको भी आप देख लीजिए। तो ये एल्डिहाइड कीटोन वाला तैयार हो जाएगा आपका, और इसमें कार्बोक्सिल, अब प्रयोगशाला विधि पे आइए, एस्टल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि MP बोर्ड के लिए बिल्कुल बहुत तैयार कर लें, एसीटोन निर्माण की प्रयोगशाला विधि, एसीटोन कैल्शियम एसीटेट के शुष्काष्मण से बनाते हैं, एसिटल्डिहाइड एथिल अल्कोहल के आक्सीकरण से बनाते हैं, शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल कैसे बनाते हैं, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण माइकोडर्मा एसिडी बैक्टीरिया की उपस्थिति में, जिससे हमें 6% का सिरका बनता है, बाद में सांद्रित करते हैं उसको, गाढ़ा करते हैं, अम्ल में आते एसिटिक अम्ल से निम्न यौगिक बनाओ, इसका वीडियो मेरा अपलोड है तो उसको देख लीजिए, एसिटिक अम्ल से कैसे बनाते हैं हम, आठ यौगिक हैं, चार आते हैं, चार नंबर का पार्ट है। तो इस प्रकार और भी इसे अम्ल पे क्वेश्चन आ सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन की क्रियाशीलता जरूर आप देख लें, ये सब हम आपको प्लेलिस्ट में दे देंगे, उसको आप एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिएगा तो ये बहुत तैयारी आपकी हो जाएगी। नाइट्रोजन युक्त यौगिक भी चार नंबर का, लेकिन उसमें क्वेश्चन तीन नंबर का आना है, तो वहां पे नाइट्रोबेनजीन का अपचयन अलग अलग विधियों में अम्लीय क्षार उदासीन, वहां पे आपको लीवरमा नाइट्रोसो अभिक्रिया तैयार कर लेना है, वहां पे आपको अपचयन तैयार कर लेना है, साइनाइड आइसोसाइनाइड के दो दो गुण तैयार कर लेना है, ज्यादा उसमें तैयारी नहीं करना है, सरल है।
ठीक है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड उलमाना भी किया, मुख्य रिएक्शन कर लेना तैयार साइनाइड में, ठीक है। और उसके अलावा मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, VIP मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल वाली क्रिया, एल्कलाई थायोसाइड बनता है। भोपाल गैस त्रासदी 1984, भोपाल गैस त्रासदी में मेथिल आइसोसाइनेट गैस जो निकली थी CH3NCO, दोनों में फर्क रहता है CH3NCO, मेथिल आइसोसाइनेट और मेथिल आइसोथायोसाइनेट, इनमें क्या फर्क है? ये भोपाल गैस त्रासदी गैस है और ये मस्टर्ड ऑयल की गैस है, इससे सरसों के तेल जैसी सुगंध आती है। तो ये क्रिया यहाँ पे है और परीक्षा विशेषण का ये भाग दो देख रहे हैं आप। नाइट्रोजन युक्तियों के अलावा जैवणों को भी तैयार कर लें और क्रिया में रसायन, क्रिया में रसायन में आपको क्या क्या तैयार करना है? ज्वरनाशी, शरीर का ताप कम करने वाली औषधियाँ, जैसे पैरासिटामॉल आप मेडिकल में जाते हैं वही लेते हैं, दर्द निवारक औषधियाँ कर लें, दर्द शरीर को कम करती हैं, हटाती हैं, नर्वस सिस्टम काम करती हैं, प्रशांतक तैयार कर लें, ठीक है। उसके बाद गर्भ निरोधक कर लें तैयार, जैसे मेस्ट्रिनॉल, इस प्रकार की एंटाफेटली ड्रग्स कर लें, अम्लतारोधी एंटी एसिड, जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम हाजमोला खाते हुए एंटी एसिड हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार यहाँ साबुन डिटर्जेंट में अंतर कर लें, साबुन का क्षारीय विलयन होता है, डिटर्जेंट का उदासीन विलयन होता है, साबुन केवल मृदु जल में काम करता है, कठोर में फट जाता है, मृदु कठोर दोनों में काम करता है, डिटर्जेंट ज़्यादा सफाई सुखाता है, तेल रहित होता है, साबुन में तेल होता है इसलिए कपड़े मुलायम रहते हैं, ठीक है। अलग अलग इसके उपयोग हैं और साबुन के प्रक्षालन की क्रिया विधि भी तैयार कर ले वहाँ पे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बाहर की चीज़ें। तो ये जो दूसरा वीडियो आपका है परीक्षा विशेषण भाग दो, इसको पूरे तरीके से, जो इसमें परेशानी आ रही है अभी अभी आप तुरंत कमेंट्स लिखिए, उसका आंसर हम तुरंत रिप्लाई करेंगे सभी स्टूडेंट के साथ, ऑल इंडिया और वर्ल्ड में इसको वीडियो को भेजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल राकेश मिश्रा आप व्यवस्था आइए, यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।